वसुआ सब्दिननाफ़े वेलकम बैक टू अव ब्रांड न्यू वीडियो और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या ए आई जो है वो दैट टेक ओवर द जॉब्स ऑफ थ्री डी आर्टिस्ट और नॉट अब ये अगर आप मुझे पूछें कि मुझे सवाल कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूट्यूब पे आम um, तो डेफिटली बी दिस वन तकरीबन हर रोज़ मुझे कोई ना कोई पूछ रहा होता है कि यार ए आई जो है इज आई कैन टेक ओवर द जॉब्स और आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट um, चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है uh, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी लाइक like, तब से थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं कुछ नए टूल्स वगैरह आए हैं सो आई वाज लाइक यू नो वाई नॉट जस्ट मेक एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट वीडियो और मैं अभी अपना ओपिनियन बताऊं बताऊँ तो उस वीडियो में मैंने मैंने बोला था कि लाइक ए आई विल नॉट टेक द जॉब्स ऑफ थ्री आर्टिस्ट्स और अभी मैं ये बात कर रहा हूं अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखनी अगर आपको एक छोटा सा लाइक like, जवाब चाहिए अपने सवाल का तो दै विल जस्ट बी कि यू नो लाइक ए विल नॉट टेक ओवर द जॉब्स ऑफ थ्री डी आर्टिस्ट ठीक है लेकिन अगर आपको एक्सप्लेशन चाहिए तो आप वीडियो आगे देख सकते हैं सो सबसे पहले वी नीड टू लाइक द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए आई सही सबसे पहला ए आई तो ये होता है जिसको जिस तरह से जैसे मिट जर्नी हो गया डॉली हो गया कि इट जस्ट लाइक जनरेट्स अ होल इमेज फॉर यू सही योर और आप इसे कहते हो कि लाइक लेट्स ए जनरेट मी एन इमेज ऑफ लेट्स ए कैट या अ डॉग कुछ भी तो आपको जनरेट करके वो दे देगा सही है एक टाइप का वो ए आई ऐसे है दूसरे टाइप का ए आई जो है वो है कि आप ए आई के टूल्स को यूज़ करो अपनी आर्टिस्ट की वर्क फ्लो में सही ऐसे क्या क्या मतलब है अब लेट्स से अगर आपको थ्री डी एनिमेशन बना रहे हैं सी अपने कंप्यूटर पे और आपको एक स्पेसिफिक टाइप का टेक्सचर चाहिए राइट एक स्पेसिफिक टाइप का यहाँ तो लेट्स से मॉडल चाहिए राइट अब वो मॉडल बनाने के वो मॉडल अगर आपको लेट से कहीं नहीं मिल रहा है या कहीं नहीं मिल रहा आपको तो आप क्या कर सकते हैं आप ए आई को यूज़ करते हुए उस टेक्स्टर को या उस मॉडल को जनरेट कर सकते हैं राइट इसमें हो और क्या राइट डिफरेंस ये है कि आप इसमें ए को यूज़ करें अपनी वर्क फ्लो के अंदर सही आप लेट से अगर ब्लेंडर में कुछ बना रहे हैं या अनिल लंजन में कुछ बना रहे हैं आपकी वर्क फ्लो वही की वही है ए आई इज़ जस्ट हेल्प हेल्पिंग यू इन दर्क फ्लो राइट तो आप लाइक ये जो ए आई है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस ए आई को अगर आपने अपनी वर्क फ्लो में इंक्लूड नहीं किया ना तो फिर आपकी जो जॉब है वो खतरे में आ सकती है ठीक है ये बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी इस वीडियो में मैं भी मैं बोलूँगा कि AI will never take your job. The person who uses AI efficiently and effectively, that person will take your job. टेक यूर जॉब AI, है अगर आप include आई को अपनी वर्क फ्रोम AI, नहीं करेंगे अगर आप बिल्कुल ए आई को लाइक एफ लाइक एज ए नगेटिव थिंग देखेंगे कि आई यू नो आई इज़ लाइक नॉट को इट इज बैड वगैरह वगैरह फिर आपकी जॉब जो है ना वो खतरे में जा सकती है क्योंकि लेट से अगर आपको um, कोई मॉडल कोई चीज़ का मॉडल बनाना है राइट right? um, और इसकी एनिमेशन बनानी है तो आप मॉडल व स्क्रैच से बनाएंगे आपको काफ़ी दिन लगेंगे आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा राइट ऑन द अदर हैंड एक बंदा जो है उस मॉडल को जो कि बेसिक मॉडल है काफ़ी उसको वो ए आई से जनरेट कर रहा है राइट और फिर उसकी एनिमेशन खुद बना रहा है तो दैट पर्सन विल बी एबल टू डिलीवर दर फाइनल वर्क एक काफ़ी um, कम टाइम में राइट सो आई फील लाइक ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ए आई को अपनी वर्क फ्लो में यूज़ करना है सही है और इसे दूर नहीं भागना जहाँ तक दूसरे टाइप की ए है ना जो मिड जर्नी हो गया डॉली हो गया जो पूरे पूरे इमेज जनरेट कर देते हैं आई डोंट थिंक वो ज़्यादा इतना इफेक्ट करने वाली है थ्री एनिमेशन की इंडस्ट्री को बिकॉज जो आप इमेज जनरेट करते होते प्री लाइक रैंडम राइट लेट्स अगर मैं एक लेट्स um, मेरी परफ्यूम्स की कंपनी है राइट right? और मैं um, थ्री डी आर्टिस्ट को हायर करता हूँ राइट सो मी एज अ बिजनेस ओनर आई विल नेवर स्विच टू ए आई क्यों क्योंकि उसमें ये होगा कि लाइक जो इमेज मुझे मिलेगी इतने रैडम होंगे सही ललट से अगर एक इमज मुझे चाहिए मेरी परफ्यूम का राइट मैं एक इमेज बनाऊंगा राइट अब मुझे उस, उस उसी इमेज की लट से मुझे एनीमेशन चाहिए राइट right? मैं नहीं कर सकता वो क्योंकि मेरे पास ए आई ने जो मुझे इमेज बना के दिया है जस्ट वन ऑफ रैंडम इमेज राइट अब मैं एनीमेशन बनाऊँगा एनीशन में मॉडल थोड़ा चेंज कर देगा वो या कोई चीज़ चेंज कर देगा राइट right? तो उसकी वजह से ना इट्स नॉट एन बी लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी लाइक एटलीस्ट इस पॉइंट पे अब मैं बात करूँ अब अभी, अभी की या से अगले पाँच सालों की अगले, अगले दस सालों की उसके बाद का तो ऑबस यू नो टेक्नोलॉजी इतनी तेज जा रही है तो लाइक यू वी नेवर नो राइट नो वन कैन लाइक परफेक्टली प्रोडक्ट के एआई जो है वो कैसे डेवलप होगा राइट तो भैया मेन पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि अगर आप ए को अपनी वर्क फ्लो में इंक्लूड नहीं करेंगे सही और रिपेटिव काम जो है वो आप खुद ही करते रहेंगे ए आई कोई नहीं यूज़ करेंगे उन कामों को करवाने के लिए तो फिर आपकी जॉब जो है वो जा सकती है क्योंकि आपका काम जो होगा काफ़ी इनिफिशेंट हो जाएगा राइट लैस से कोई और बंदा एक एनिमेशन बना के दे रहा दो दिनों में राइट और आप उसी एनिमेशन को बनाने में पाँच दिन ले रहे हैं लेकिन आप ए नहीं यूज़ कर रहे तो कोई भी आपको नहीं हायर करेगा क्योंकि दो दिन वाला Um, आपसे कम टाइम में लाइक ज़्यादा पैसे भी कमा लेगा और प्लस में डिलीवर भी जल्दी कर देगा तो पीपल विल प्रेफर दैट पर्सन राइट सो या आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें लाइक एज आर्टिस्ट देखनी चाहिए कि लाइक वी शुड भी ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजीज राइट वी शुड भी ओपन टू सॉफ़ न्यू टूल्स जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं सही और हमें इन टूल्स को एज अगेटिव थिंग नहीं देखना चाहिए हमें इन चीज़ इन इन टूल्स की बिना हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि हमारी वर्क फ्रो के कैसे आसान करेंगे राइट दैट्स वेरी मच एट आई रियली हो आप लोगों ने कुछ सीखा हो अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं या अगर आपको लगता है कि को, कोई कोई मैंने पॉइंट एड्रेस नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई रियली होप कि यू एंजॉय दिस एज वेल एंड आल सी इन द नेक्स्ट वन गुड बाय